फिर लास्ट में क्या करते हैं? ओपनिंग क्लोजिंग कर देंगे कर लेना, अब इसके काम सीनियर का हो जाता है। नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और मैं अभी आधी आबादी के बीच में हूँ। आइए जानते हैं इनसे कि लोग किस तरह से इस चुनाव को ले रही है। ये चुनाव परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन क्या करें, जो सरकार आई है उसके ऊपर हमें चलना पड़ता है। ये हम कैसे कहें कि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो हमें बहुत परेशानी थी और नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो बहुत आराम मिल गया। हाँ, ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी का हल्ला ज़्यादा हो गया है कि उन्होंने इधर टॉयलेट बनाया तो इधर किचन के आइटम्स कम हो गए या ये कर रहे हैं, तो उनका खुद का अपना प्रचार प्रसार ज़्यादा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी उन्होंने ही इन सब कामों को किया, जबकि ये सब काम पहले से चले आ रहे हैं, उसको उन्होंने अंजाम दिया है या हल्ला ज्यादा उनका मच रहा है। इसलिए पब्लिक तो जो ज्यादा हल्ला मचाता है उसके ऊपर ही जाती है, इसलिए मोदी 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 हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम्स है उसको तो आज भी हम सेम तरीके से ही फेस कर रहे हैं, चाहे वो गृहणियां हो, चाहे जॉब में लेडीज हो, लेडीज की यदि आप बात कर रही हैं, तो परेशानियां तो हम लोगों को हमेशा हो रही है, लेकिन हाँ वो है कि मैनेज करते हैं। आप बताएंगे कैसे टैकल करते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत कुछ खराब हुआ है। पहले भी बहुत महंगाई थी, जब एक ज़माना था जब हम शक्कर इतनी महंगी हो गई थी कि हम लोग एक चम्मच खाने लग गए थे, तो अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे कि मोदी के सरकार में बहुत कुछ, उन लोगों ने सरकार ने जो कांग्रेस ने काम किया वो आधा काम कहाँ जाता था, 100 पैसे का 1 पैसा लोगों के पास आता था। पार्टी को लेकर चुनाव को लेकर बात करना चाह रही हूँ कि चुनाव है, महंगाई बढ़ते जाती है, कैसे आप महंगाई को कम? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है महंगाई कम हुई है, अभी देखो स्टेबल है, 2 साल से एकदम सब दाम वाम ठीक है, एकदम कोई मुझे नहीं दिक्कत लग रही है। मोदी साहब बताएं कि आप, देखिए हम गृहणियों को हर हाल में टैकल करना पड़ता है, चाहे वो महंगाई कम हो, चाहे बढ़ जाए, चाहे जैसे हो, घर चलाना है सो तो घर चलाना ही है, कम करके चलाइए चाहे ज़्यादा करके चलाइए, जैसे रसोई गैस के भी दाम बढ़ जाती है। रसोई गैस के दाम तो हर महीने बढ़ते हैं, हर महीने घटते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, और सब चीज़ जो ऐसे चल रहा है चल ही रहा है, कोई खास अंतर नहीं है। चावल दाल की भी दामें बढ़ जाती हैं, तो किचन में तो थोड़ा सा ठंडन हो ही जाता है, तो उसको कैसे आप भरती हैं महंगाई को? मतलब कोई उपाय नहीं है ना, जो है वो हम लोग को फेस करना है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हल नहीं, कुछ कर नहीं सकते। आप बताइए कैसे आप चुनाव को लेके क्या उम्मीद कर रही हैं? हम लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं, हम लोग तो यही सोचते हैं जैसे चल रहा है सब चलेगा और हम लोग को जैसे कर निभाना है निभाएंगे, घर गृहस्थी परिवार, उपाय तो कुछ है ही नहीं इसके आगे। इस चुनाव में क्या उम्मीद कर रही हैं, कैसी सरकार आनी चाहिए? इस चुनाव में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भाजपा को ही आना चाहिए, मोदी को समय देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है, कोई पीरियड होता है कुछ करने के लिए, उतना टाइम तो उनको मिलना ही चाहिए, उसके बाद सोचेंगे। कांग्रेस चाहने से कुछ नहीं कर पाई। सरकार को लेकर किस तरह की सरकार? सरकार बीजेपी की ही आनी चाहिए, चाहे कैसी भी हो। सामान का दाम ज़्यादा लगता है, उसको हम लोग थोड़ा कम ले लेते हैं, जिसका दाम कम है बाज़ार में निगाह कर लेते हैं, जिसके बिना काम चल सकता है उसके बिना काम चला लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि सभी चीज़ अपने लोग लें खरीदें, उसको तो गृहिणी को मैनेज करना है, वो तो किसी भी हालत में करेगी। अभी आपको जितना पॉकेट खर्च मिलता है घर चलाने के लिए उस और महंगाई के कारण उसे कैसे मैनेज करती है? जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लिस्ट उसी हिसाब से बनाते हैं। पहले तो मार्केट हम चारों तरफ देखते हैं कि कहाँ पर सामान सस्ती हो, उसी जगह से हम सामान लाते हैं, ताकि दो कहीं भी एक जगह हम अपना दुकान फिक्स कर रखे हैं वहाँ पर क्या होता है कि परसेंटेज अपने को मिलता है, तो उससे भी अपने को महंगाई में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, बेनिफिट होती है। तो वो घर में हम लोग उस हिसाब से छानबीन करके मार्केट से लेके आते हैं, जहाँ सस्ती सामान होती है वहीं से लेके आते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ होती है अपनी लाइफ में पहले उस पर फोकस देते हैं, वही चीज़ को लेके आते हैं, इसी हिसाब से हम लोग अपने घर को मैनेज करते हैं।
महंगाई की मार गृहिणियों के रसोइयों में पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ की गृहिणियाँ उसे स्मूथ से चला रही हैं। हम लोग को तो बीजेपी चाहिए। मोदी जी ने बहुत कुछ करा है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, हमको उम्मीद है। इसे सबको गांव गांव में घर में बिजली पहुंचा दी है, गैस पहुंचा दी है, किसानों का साथ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत कांग्रेस के थी, लेकिन कांग्रेस में इंदिरा गांधी बोली थी गरीबों को हटाओ। कहाँ गरीबी हटी? वही राहुल बोल रहा है, गरीबी तो हटी नहीं रही है। मोदी जी बोले कि बैंक में पैसे जाने, पैसे कहाँ जा रहे हैं? बैंक में मोदी जी दे रहे हैं, अब बीच वाले खा जाएंगे तो कोई क्या करेगा? है एक एक अकेला आदमी नहीं पकड़ सकता है, उसको समय चाहिए। और हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखिए ऐसा बात नहीं है। इतना कल्याण किए हैं, पहले बाथरूम नहीं था गांव में, आजकल जगह जगह बाथरूम हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी की योजना थी, लेकिन अभी तो अभी हो रही है ना। कहाँ बाथरूम बने थे? हम तो गांव गांव जाते हैं, मैं तो इंटीरियर में बहुत जाती हूँ। अभी बन रहे हैं और बना रहे हैं, गांव की औरतें भी बना रही हैं, ऐसा नहीं है। अभी हो रहा है और धीरे धीरे होगा, सब जगह जो बिजली और पानी और ये सब की व्यवस्था हो रही है। और गैस चूल्हा लकड़ी पे जो जलाते थे, अभी लकड़ी कहाँ काटने जाते हैं, सब गैस में बना रहे हैं। सब करेंगे, और सबसे बड़े शराबबंदी बंद कर दें, सबसे बड़ी बात शराब के चलते जो है औरतों को परेशानी, गांव परेशानी है। शराब की बंदी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। रसोई के खर्च कितने बढ़े हैं 2000 अपेक्षा के अंतराल? 2014 से अभी 2019 चल रहा है, तो रसोई के खर्च जो है बढ़ते जा रहे हैं, दिन दुगनी रात दुगनी, ऐसे ये नहीं बोल सकते कि कम हुआ है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है, जो चाहे वो राशन हो या सब्जी हो या फल हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि खर्च बढ़े नहीं है, बल्कि हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। कैसे मैनेज करती है? देखिए, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कि उनका बजट एक सीमित होता है, तो उनका तो तालमेल पूरा बिगड़ जाता है। वो कभी पहले 60 रुपया किलो दाल लेते थे, अभी 70 रुपया है, तो उनका तो पूरा बजट गड़बड़ा गया, क्योंकि पेंशन तो उसकी उतनी है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो बड़े लोग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है महंगाई से ज़्यादा। हाँ, गठबंधन सरकार की भी बात हो रही है, चुनाव है, महंगाई को लेकर किस तरह से आप लोग चलते हैं? महंगाई कम होनी चाहिए जिस तरह का है, अभी देख रहे हैं हम लोग। सरकार बीजेपी की होगी तो इस तरह का दिख रहा है कि कम होगा, लोगों को फायदा होगा। कांग्रेस सरकार तो नहीं आनी चाहिए। आप क्या कहें? मेरे को तो ऐसे मल हो रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है, और जो अभी मोदी जी जिस तरह से काम कर, यहाँ पे किसी पार्टी को लेके नहीं आई, जिस तरह से मैंने कि ये सरकार आएगी तो हमारी महंगाई को घटा दे, गृहिणियों को इसके लिए घर खर्च में बहुत दिक्कत आती है, तो हमारा यही मैंने रिक्वेस्ट है कि सरकार जो आ रही है वो हमारी गृहिणियों की तरफ ध्यान दे के और महंगाई को कम करे। आप बताएं। महंगाई तो कम होनी चाहिए, महंगाई तो वैसे ज़्यादा ही है, सब चीज़ में तो महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं चाहूँगी थोड़ी महंगाई कम हो तो हम लोग को थोड़ा आराम मिले। महंगाई महंगाई महंगाई, महिलाओं को महंगाई ने दम तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी इन्हें अपना रसोई चलाना पड़ता है। कैमरामैन तरुण के साथ रूपम प्लस रांची।